इस खुशी के मौके पे जब अपने परिवार के किसी बच्चे की शादी एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है, तो मैं इस परिवार का बड़ा सदस्य होने के नाते बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, इनकी जिंदगी सुखमय गुजरे ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। और मेरे बच्चे, छोटे बच्चे खिसारी जी को कहता हूँ दो शब्द। देखिए सबसे जितने भी मेरे यहाँ पे आए हुए जितने भी गार्जियन स्वरूप हैं, सबको पहले चरण छू के प्रणाम करता हूँ, एक आशीर्वाद ताली बजा कर देते। और ये परिवार मेरे लिए इतना अहमियत रखता है कि मेरे जीवन के जितने भी अच्छे काम हुए इसी परिवार से हुआ। अभी मैंने डीडी चो का किया, एक बहुत अच्छी सिनेमा मैंने प्रदीप भैया का किया था जिसका नाम था डमरू। और आज एक दूल्हे का शादी नहीं हो रहा है, एक लड़के का शादी नहीं, एक हीरो की शादी हो रही है। और हम लोगों ने तो भोजपुरी में काम किया है और हमारे परिवार का एक ऐसा बच्चा है हमारे लिए तो भाई की तरह है। ऐसे तो उनको मैं भैया बोलता हूँ तो भतीजा के हिसाब से हो गए, लेकिन हम दोनों की उम्र सेम है इसलिए हमारे भाई की तरह है। तो इन्होंने हिंदी सिनेमा तक किया है और इस परिवार को जोड़ने के लिए आप सब बैठिया पार्टी को दिल से धन्यवाद हम पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ से कि आप लोगों ने हमें उस काबिल समझा कि आप अपने घर की अनमोल रतन हमारे घर पहुंचा रहे हैं। और एक हमारी बिटिया रानी है जिन्होंने अभी कई सारे सिनेमा में इन्होंने मेरे लिए सिंगिंग भी किया है, इन्होंने गाना भी गाया है। तो ये परिवार एक संगीतमय है। प्रदीप भैया हमारी भाभी माँ, ये पूरी फैमिली खेसारी की है और हमारे भोजपुरी के महानायक नहीं समझ लीजिए कि भोजपुरी के हाईवे हैं ये, इनके ही बनाए हुए हाईवे पे हमारी सब गाड़ियाँ चलती हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो चाहे फॉर्च्यूनर हो। तो हमारे सौभाग्य है जब इसे शादी के अवसर पे आप सबका प्यार और आशीर्वाद देने आए हैं। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि हजारों हजार बरिस हमारे परिवार की जोड़ी ऐसे ही हम सबको एक बंधन में बांध के चले और आप सबका प्यार और आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता है। सबको दिल से धन्यवाद।